नमस्कार, संडे डिबेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कावेंद्र चौहान। क्या है यह संडे डिबेट? संडे डिबेट दरअसल इसलिए रखी गई है क्योंकि कई सारे मसाले इकट्ठे हो गए हैं। इन सारे मसालों को लेकर आज छौंका मारने का काम करेंगे इस डिबेट में, इस बहस के जरिए। मसाले कैसे? मतलब हल्दी, मतलब दल बदल, मतलब धनिया की बात करूं तो ये जो दंगों की बात होती है वो धनिया वाला मसाला है। इसके अलावा बयानबाजी, जो तो अमूमन हर चुनावों में आप देखते ही हैं, हर तरह की बयानबाजी आती, तीखे हमले होते, तीखे हमले। एक तरफ चुनाव आयोग क्या बात करता है और दूसरी तरफ जमीन पर क्या कुछ दिखता है। लेकिन ऐसे में इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस बार यूपी के चुनाव में सब कुछ खुले खेल जैसा है। खुले खेल जैसा मतलब यह है कि भाजपा, जो कि सिटिंग पावर में है, वहीं दूसरी तरफ उसको कड़ी फाइट दे रही है, स्ट्रांग फाइट दे रही है, कड़ी टक्कर में जो है वो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव वाली। लेकिन दर्शकों, इस वाले चुनाव में एक चीज बड़ी दुविधा प्रकट कर रही है, संकट पैदा कर रही है, वो ये है कि हम पत्रकारों को भी फोन करके पता करना पड़ता है कि नेताजी आज किस पार्टी में है। कल नेताजी जो जिस पार्टी में थे, क्या आज नेताजी उसी पार्टी में है कि नहीं है, तो हमको भी फोन करके पता करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद भी कानून का राज स्थापित रहेगा, गुंडा राज नहीं आएगा, लेकिन वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी खुद संपादक की भूमिका में आते हुए ब्रेकिंग दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 99 उम्मीदवार जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनको बीजेपी टिकट दे चुकी है अभी तक यूपी चुनावों में। तो इसको लेकर चर्चा करेंगे, आज बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि आज हर तरह के मसलों पर बात होगी। उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है, ये जो चुनावी जो मौसम चल रहा है, इस चुनावी मौसम में किसका जो सिक्का है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 10 मार्च को यह तय हो जाएगा कि किस पार्टी की जीत हो गई है या फिर कौन सी पार्टी जो है जिसकी किस्मत का पिटारा खुला है, ये सब तो 10 मार्च को क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, माहौल क्या है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी बीजेपी सीधे तौर पर फाइट में है, हर तरफ अलग अलग तरीके की बयानबाजियां, लाइटें और दल बदल सब आप देख ही चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पहले के जो तीन चरण हैं, उन तीन चरणों में सबसे ज्यादा जो बोल वाला है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के पास ये प्रिविलेज है कि यूपी के चुनावों में शुरुआत यहीं से होती है और तीन चरण स्पष्ट कर देंगे कि आगे के चरणों का क्या हाल होने वाला है। तो तीन चरण महत्वपूर्ण है, पश्चिम महत्वपूर्ण है और पश्चिम में जाटों को साधने की कोशिश गृहमंत्री अमित शाह या फिर मैं कहूंगी बीजेपी के बड़े नेता कर चुके हैं। तो ऐसे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे लोकेश जिंदल साहब हैं, कांग्रेस से हैं, संजीव चौधरी साहब हैं, सपा नेता हैं, राहुल लाल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय त्यागी साहब हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, दयाराम भार्गव साहब हैं, सुभाषपा से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि संजय त्यागी साहब, आप सत्ता में हैं, पावर में हैं, तो सीधा सबसे पहला सवाल आप ही से करना चाहिए, ये ठीक भी है। ये बताइए कि क्या लग रहा है, जाटों को साधने की जो कोशिश थी उस पर तो जयंत चौधरी ने मट्ठा डाल दिया, बोले कि 700 किसानों को पहले बुलाइए जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को बुलाइए, उनको शामिल करिए। तो जयंत चौधरी तो शामिल होंगे नहीं, तो जाटों को फिर कैसे साधा जा रहा है? देखिए ऐसा है भाई साहब, जो सवाल आपने किया है आपने स्वयं ही जवाब दे दिया है इस सवाल का, जवाब का भी। भारतीय जनता पार्टी, समझना पड़ेगा पहले, भारतीय जनता पार्टी मूल मंत्र पर काम करती है, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी न जातिवाद, धर्म, मजहब की राजनीति नहीं करती। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों, जाट भाइयों की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट भाई ना मुजफ्फरनगर दंगे को भूले हैं और ना सचिन गौरव की शहादत को भूले हैं, और जो सैकड़ों लोग सपा सरकार में दंगों में शहीद हुए थे, सब उन बातों को भी हमारे जाट भाई नहीं भूल रहे हैं। ठीक है, आप खुद ही अपना जवाब दे रहे हैं, अब तो आप खुद ही अपना जवाब दे रहे हैं संजय त्यागी जी। आप कह रहे हैं कि हम जातिवाद की बात नहीं करते, फिर आप कह रहे हैं कि जाट भाई नहीं भूले। नहीं, आपने विशेषकर जाट की बात उठाई ना, तो मैंने उसका जवाब देने का प्रयास किया है। जाट भाई हमारे ये भी नहीं भूले कि सपा सरकार में उन पर 1125 मुकदमे इसी सब सपा सरकार में और उनके गद्दावर मंत्री आजम खान के कहने पर दर्ज हुए थे, जिसमें 2017 में सरकार में आते ही 600 मुकदमे माननीय योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने वापस लेने का कार्य किया था। दंगों में मुसलमान भी तो पीड़ित थे,
उन पीड़ितों के साथ समाजवादी पार्टी ने क्या किया जो मुसलमान पीड़ित थे, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। जब मुजफ्फरनगर के दंगा हो रहे थे तो सेफई महोत्सव में बारवालाओं के डांस ले देख करके यही समाजवादी पार्टी के लोग आनंद उठा रहे थे। नंबर दो, जब सेफई का महोत्सव एक महीने बाद समाप्त हुआ और समाप्त होने के बाद में जब इनकी आंख खुली तो जो दंगा प्रभावित पीड़ित शिविर कैंप थे उनको रात में 12 बजे कड़कड़ाती ठंड में लठ बजवाने का काम भी इन्हीं समाजवादी पार्टी ने किया था। ठीक है, जाट नेताओं से किया था। संजय जी, जाट नेताओं से तो आपने बात कर ली, लेकिन मुस्लिम नेताओं से कब बात करेंगे आप? हमने कहा ना सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास। मुस्लिम आप उत्तर प्रदेश के 5 साल उठा करके देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर योजना हो, सबसे अधिक लाभार्थी उसमें मुस्लिम ही है। ठीक है, लेकिन आपके जो जमीनी कार्यकर्ता है संजय जी, आपके जो जमीनी कार्यकर्ता है वो तो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हृदय सम्राट है, बकायदा छोटी छोटी क्लिप बनाते हैं, हिंदू हृदय सम्राट, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन आप मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, राम की जहां तक बात है, हम गर्व से कहते हैं जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी बनी है, स्थापना हुई है, उस दिन से लेकर 2019 तक प्रभु श्री राम मंदिर आस्था का विषय है। करोड़ों इस देश में सनातनी हिंदू वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में स्थापना दिवस से लेकर और 2019 तक प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण का एजेंडा प्रमुख रूप से हमारे चुनावी घोषणा पत्र में भी रहा है। ठीक है, मुद्दा क्या है आपका, किसके स्वीकार करते हैं? ठीक है, मुख्य 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 मुद्दा मुद्दा क्या है, बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु में क्या है, किसको लेकर वोट मांग रहे हैं आप? वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन, भ्रष्टाचार, भयमुक्त सुशासन देने का काम किया है और जो विकास की योजनाओं को धरातल पर उतरने का काम किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खासकर मैं जिक्र करूंगा, हमारे किसान भाइयों की स्थिति ऐसी होती थी कि मोटर समर्सिबल तो छोड़ो, उनके तार सुरक्षित नहीं रह पाते थे। अगर किसान खेत में चारा लेने बुग्गी लेकर के गया और वो खेत में चारा काट रहा है, वापस आया चारा लेकर के, तो भैंसा खुल जाता था, रात को भैंसे चोरी हो जाती थी और इनकी सपा सरकार में पुलिस जो है भैंस ढूंढने का काम किया करती थी, आजम खान की भैंस को ढूंढने का काम किया करती थी पुलिस, लेकिन आम किसानों की, आम मजदूरों की भैंसों का पता नहीं चलता था। ठीक है, ठीक है, संजीव, सुशासन इन्होंने दिया है, ठीक है, इसीलिए जनता ने 2017 में इन पर नकार दिया था। ठीक है, संजीव चौधरी आपके पास चलेंगे, सपा नेता है आप। संजीव साहब, ये बताइए कि सबसे पहले तो सुशासन से उठाते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में सुशासन देने का काम किया गया है, गुंडागर्दी समाप्त हुई है, बता रहे हैं कि भैंसें चोरी हो जाती थी किसानों की खेतों से, और आप पर गुंडागर्दी के आरोप आज भी, पिछली दफा भी 2017 के चुनावों में भी गुंडागर्दी 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 प्रमुख मुद्दा था, इस दफा भी गुंडागर्दी का जिक्र हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलंदा है, ये बहुत झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक इन्हें झूठ का पाठ पढ़ाया जाता है और केवल झूठ पे ही ये भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन के साथ जो तीरहरण हुआ था, क्या ये यही सुशासन था इनका? जो छात्रों पे अभी मायावती जी का जो गैस में लांग हुआ था वो सुशासन हमारे ही शासन काल में हुआ था। ठीक है, अरे संजय जी, थोड़ा एक एक करके, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, एक एक करके बोल लेते हैं, एक एक करके बोल लेते हैं। ठीक है संजीव जी, बात ऐसा है संजीव भाई, आप बोलिए फिर, आप ही बताइए, झूठ का पुलिंदा आप कह रहे हैं ना, झूठ नहीं, नहीं, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, थोड़ा धैर्य रखिए संजय जी, एक एक राउंड हो जाए, एक एक बार सब बोल रहे, फिर डिबेट को खोलेंगे। ठीक है संजीव जी, आप बात रखिए अपनी बात, बोलने से पहले इतना ध्यान रखिए, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, आपको भी सुन रहे हैं संजय जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा संयम रखिए, छात्रों को होटलों से निकाल निकाल के मारा आपने, ठीक है, आपको नहीं लगी थी, आपको शर्म नहीं आती? 10 मार्च के रिजल्ट बता देंगे ना, तसल्ली कीजिए, वो तो बता देंगे आपको। अरे संजीव जी, आप संजीव जी, आप सवाल का जवाब दीजिए, वो आपको छेड़ रहे हैं, वो आपको छेड़ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, रुकिए, आप जवाब दीजिए, वो 10 मार्च आप जवाब दीजिए, 10 मार्च तय कर देगा,
खदेड़ा किसका होगा? ठीक है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए संजय साहब, संजय साहब, संजय साहब थोड़ा सा, संजय साहब थोड़ा सा शांत रहिए, आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, भाई आप पूरा कीजिए, संजय जी आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, आप संजीव जी ठीक है, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है ठीक है, संजीव जी नहीं नहीं मैं बोलूंगा नहीं, आप अपनी बात रखिए, ठीक है संजीव जी, सवाल वही है संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी सवाल वही है कि गुंडागर्दी का जिक्र 2017 में भी हुआ था, अब भी हो रहा है, हाँ रखिए बात रखिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। एक वो हमारी महिला जो चुनाव के लिए अपनी वोटिंग करने जा रही थी, पर्चा भरने जा रही थी, हमारी उस बहन का चीरहरण हुआ, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, तो ये तो इनका सुशासन है। रहा हाथरस कांड को ये नहीं भूल सकते, हाथरस कांड क्या था, ये इनका सुशासन है। और अगर आप आंकड़े देख लेंगे तो आंकड़े देख लेंगे तो आंकड़ों में 25-30-40% इनकी फालतू इनके हैं, मुकदमे दर्ज हैं, ठीक है, तो ये झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, अभी दो दिन पहले ही छात्रों के लिए इन्होंने कितना निकम्मा काम इनकी पुलिस ने और इनके लोगों के इशारे पे, इनके मंत्रियों के इशारे पे छात्रों पर लाठियां बरसाई, तो ये ऐसा इनका सुशासन है। ठीक है, सभी मुद्दों पर आएंगे, ठीक है सभी मुद्दों पर आएंगे संजीव जी, सभी मुद्दों पर आएंगे, लेकिन आज चर्चा दरअसल पूरे, आज चर्चा संजीव साहब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नहीं रहेंगे, आज चर्चा पूरे यूपी चुनाव को लेकर हो रही है, तो ऐसे में आप जब झूठ झूठ बार बार जिक्र कर रहे थे, तो आजकल यूपीआईटी सेल का हूं, बीजेपी का आईटी सेल का हूं, या फिर कार्यकर्ता का हूं, इनके एक वीडियो को काफी चला रहे हैं, काफी वायरल कर रहे हैं, जिसमें शिवपाल सिंह यादव जी जो प्रसपा के अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री साहब तो झूठ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी के लिए कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उस वीडियो को काफी चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इनकी कोई नीति नहीं है, ये किस, ये अब आगे आने वाली किस नीति पे वोट मांगेंगे, कितना विकास करेंगे, वो कोई मुद्दा नहीं है, इनका मुद्दा है राम मंदिर, इनका मुद्दा हिंदू मुसलमान, आपका मुद्दा नहीं है, रही राम मंदिर, राम मंदिर के आप अगेंस्ट हैं, आप कह रहे हैं इनका मुद्दा है राम मंदिर, वो तो ठोक पीट के कहते हैं राम मंदिर हमारा मुद्दा है, राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, हाँ आपने बनवाया, माफ करना, राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, ये झूठ बोलते हैं, राम मंदिर जो हमारे देश की सर्वोच्च व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट जो हमारे देश की सर्वोच्च व्यवस्था है, उनके द्वारा निर्णय लिया गया है, ठीक है, वहां पर पैरवी कौन कर रहा था, पैरवी कौन कर रहा था, ठीक है ये बताइए, आप लोग कल तक कहते थे कि ये तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे कहते थे आप लोग, तो क्यों कहते थे, हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है, ये झूठ बोलते हैं, इनसे पूछिए विकास कितना करेंगे, इनसे पूछिए इन्होंने रोजगार कितना दिया, नहीं 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 वो ठीक है, वो अलग बहस है, वो अलग बहस का मुद्दा है, आज ऊपरी सतही बहस हो रही है, सतही बहस हो रही है, आप मत बताइए महंगाई को, विकास को, वो छोड़िए, संजीव जी आप मुझको ये बताइए, कहना चाहूंगा सर, नहीं नहीं बिल्कुल, सब लोग आएंगे एक एक करके आएंगे, लेकिन सबसे पहले संजीव साहब, हॉस्पिटल कितने बनाए इन लोगों ने, कितने लोगों को रोजगार दिया, किसानों के लिए क्या किया, ये वही लोग हैं जो 710 किसानों के हत्यारे हैं, ये लोग 710 किसानों के हत्यारे हैं। देखिए महंगाई, बेरोजगारी, ये वो सवाल हैं जो हर 5 साल के बाद हर चुनावों के दौरान पूछे ही जाते हैं, इसमें कुछ नहीं बदलाव होता, अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो 5 साल बाद भी यही सवाल हो सकते हैं जो कोर हो सकते हैं। हमारे किसान भाई धरने पर बैठे हैं, लेकिन जब इन्हें लगा कि आपकी सरकार यहाँ से जाने वाली है तो उनसे माफी मांग रहे हैं, ये हरकत करते हैं, फिर ठीक है माफी मांग ली अब तो फायदा होगा, माफी मांग ली अब तो किसान इनको ही वोट दे देंगे, माफी से देश नहीं चलता, माफी से ये देश नहीं चलता, यह सजा दी जाती है और सजा इनको मिल चुकी है, ठीक है, शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से निकाल दिया था, शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से निकाल दिया था, ये सजा दी थी, एक मिनट रुके संजीव जी, आपने कहा यहाँ से सजा दी जाती है, तो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से निकाल दिया था, सजा दी थी, माफी नहीं मांगी थी जब वापस बुलाया तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हम 2012 में, अरे शिवपाल सिंह यादव की बात कर रहा हूँ, भाजपा के लोग नहीं है वो, शिवपाल सिंह यादव नहीं नहीं मैं वही आ रहा हूँ, मैं वही पहुंच रहा हूँ, हाँ। जब हम सरकार में काम कर रहे थे, हम विकास कर रहे थे, हम नौजवानों को नौकरी दे रहे थे, हम भर्तियां कर रहे थे, तो ये हिंदू मुसलमान पे लगे हुए थे, और हम इनकी नीति को भाप नहीं पाए, आप कमजोर थे, आप कमजोर थे, मतलब आपके मुख्यमंत्री जो पहली दफा बने थे अखिलेश यादव जी, वो कमजोर थे, किसानों यही किसान है जिन यही लोग है जो किसानों को गद्दार कहते थे, माओवादी कहते थे, आतंकवादी कहते थे इन्होंने, कि आज किसानों के पैर पकड़ते, ठीक है आगे भी बढ़ूंगा, ठीक है माफ नहीं करेगा किसान, ठीक है, राहुल लाल साहब भी हैं, संजय दयाराम साहब भी हमारे साथ हैं,
सब पर जाएंगे, लेकिन किसानों को गालियां दी, आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी कहा, तालिबानी कहा, यही वो लोग हैं जो इसलिए इनको कोई माफ नहीं करेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 तारीख में चुनाव है, पहले राउंड का, इनका खदेड़ा मच चुका, ये पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग घूम चुका है और ये रात को नींद की गोलियां ले लेके सो रहे हैं। ठीक है, वो किसान तय कर लेंगे लेकिन संजीव जी, ठीक है, वो किसान तय कर लेंगे, लेकिन संजीव जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिर जो बाकी लोग जुड़े हुए उनसे बातचीत करेंगे, बाकी अन्य मेहमानों के पास जाएंगे। संजीव जी बताइए, किसान का बेटा हूं, ठीक है, मुजफ्फरनगर और जो ये पूरी गन्ना बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर जो दंगों का मुद्दा जो है उसको एक बार फिर से, दंगों के मुद्दे पर एक बार फिर चिंगारी डालने की कोशिश की जा रही है, इनके इनके नेता कर रहे हैं। हाँ, तो दंगे तो आपकी सरकार में हुए थे, दंगे आपकी सरकार में हुए थे, उसी का डर दिखाया जा रहा है आज। हाँ, मैं जवाब देता हूँ उसका, इसका जवाब देता हूँ, एक मिनट सुनिए। हाँ, दंगाई आज सत्ता में बैठे हैं, ठीक है, दंगाई आज सत्ता में बैठे हैं, इन्हीं के विधायक रथ लेके चले थे, इन्हीं के विधायक, उनके मुकदमे वापसी ले लिए गए, ठीक है, इन्होंने पहले प्लानिंग से उन विधायकों से कहा था कि आप जाइए दंगा कराइए और फिर हम, हमारी सरकार अगर आएगी, हिंदू मुसलमान हो गया तो हम आपके मुकदमे वापसी लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में था, तब लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में था, इनके विधायक दंगे करवा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में था, वही हुआ, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में था साहब, तमाम लॉ एंड ऑर्डर पे तमाम कार्रवाई हुई, तमाम मुकदमे दर्ज हुए, जिन्हें जो जैसा कहा उसने भुगता, सारे मतलब दंगा नहीं रोक पाया, सारे विधायक बाइज्जत बरी हो गए न्यायालय से, ठीक है। अगर आपकी सरकार दोबारा आएगी, अगर आपकी सरकार मान लीजिए दोबारा आती है, और ठीक है एक भी, ठीक है, अगर आपकी सरकार संजीव जी बाकी लोग भी है, संजीव जी जल्दी जल्दी करते हैं, अगर आपकी सरकार दोबारा आती है तो यही लोग फिर दंगा करेंगे, नहीं करने दिया आपके, हम इनकी नीति को समझ चुके हैं, पिछली बार नहीं समझ पाए थे, अखिलेश यादव पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे, वो इतने काबिल नहीं थे कि समझ पाते, जो दंगा करेगा वो जेल में होगा, ठीक है, पिछली दफा दंगा करेगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ठीक है दंगा हो सकता है, मतलब आप रोकने में कामयाब नहीं है, दंगा हो सकता है, पिछली दफा भी हमने कार्रवाई करी थी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ऐसे हमारे साथ लोकेश जिंदल साहब भी हैं, लोकेश साहब सबसे पहले तो माफी मांगता हूँ चलूंगा, आप जो जो लोग जो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, जिंदल साहब थोड़ा देर से आया हूँ, लेकिन लोकेश साहब ये बताइए कि इनके पास तो अपना मुद्दा है बीजेपी का, समाजवादी पार्टी के पास भी अपने मुद्दे हैं, कांग्रेस इस बार एक नए मुद्दे को लेकर आई है, महिलाओं को लेकर आ रही है, बेटियों को आगे कर रही है, काफी सीट दी जा रही है, टिकट दी जा रही है, एक सेकंड, टिकट दी जा रही है, काफी सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ एक महिलाओं के मुद्दों को लेकर, एक बेटियों के मुद्दों को लेकर आप यूपी जैसे जो सबसे बड़ा राज्य है वहां पर चुनाव मैदान में मतलब टक्कर दे पाएंगे? सर, सबसे पहले आपने कहा कि भाजपा के पास अपना मुद्दा है, समाजवादी पार्टी के पास अपना मुद्दा है, मुद्दा तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा, आधे घंटे से मैंने केवल मंडल कमंडलवाद देखा है, मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश का जो विनाश आज हुआ है वह अभी आधे घंटे से दिख ही रहा था। भाजपा कहती है कि वो जात पर, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती, जबकि भाजपा पूरे देश को पता है भाजपा का केवल एक एजेंडा है, तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। इनके प्रधानमंत्री जाते हैं काशी विश्वनाथ, वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो जाते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वहां पर बाजू में एक मस्जिद है, जबकि हमारा संविधान कहता है भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। नहीं नहीं, वो मत जाइए, ठीक है, वो उनका वो अपना पर्सनल मसला है, ठीक है, एक मिनट सर, मैं आऊंगा सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट सर। हां ठीक है, ठीक, समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 17 तक कहती है हम भाजपा के मंसूबे समझ नहीं पाए, हमारे वक्त जो है जो भी दंगाई हुई, जो सैफी में जिस तरह का अश्लील प्रदर्शन हुआ, जिस तरह की गुंडागर्दी हुई, तमंचावाद हुआ, वो एक हमारी मासूमियत थी जिसे हम कर नहीं पाए। तो आप गठबंधन में क्यों आए थे? जिंदगी के आप मेरी बात सुनेंगे अभी सुन लीजिए। और इनके कारण जब से 1990 से, जब से भाजपा और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश का शोषण करना शुरू किया है, वहां से हमेशा पलायन हुआ है। क्या कारण है? उत्तर प्रदेश 20 करोड़ आबादी के बाद में 40% पॉवर्टी रेट। ठीक है, आप हालत देखिए, बिल्कुल आ रहा हूँ, बिल्कुल संजय साहब आप पर भी आऊंगा, किसान की हालत क्या है आज के डेट में?
ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है मुख्यमंत्री ने किया क्या, ठीक है ओपनिंग रिमार्क बहुत बढ़िया, शानदार लोकेश जी शानदार ओपनिंग रिमार्क आपने दिया, शानदार दिया लोकेश जी, शानदार दिया, और भी लोग हैं उनके पास भी चलेंगे, लेकिन लोकेश जी एक काउंटर आप लेते चलिए। काउंटर ये है कि आज आप जिन पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, 2017 में जब आप इनके साथ थे, आप कह रहे हैं कि आज ये कह रहे हैं कि मासूमियत के साथ कि उस समय हम दंगे हुए वो समझ नहीं पाए, इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गलत ले लिया अपने साथ, वो भी हम समझ नहीं पाए। सर देखिए सर, आप मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। हाँ नहीं, दो बातें बताइए, लेकिन बताइए जल्दी जल्दी। एक मिनट मैं बात करता हूँ। अभी घोषणा पत्र दिया था राहुल गांधी जी, आपने घोषणा पत्र पढ़ा है या नहीं मैं बताता हूँ आपको। 20 लाख जॉब्स की बात की, 8 लाख महिलाओं के लिए, उसमें से 1 लाख पुलिस भर्ती की जॉब की बात की, साथ में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि जो नाविक है जिन्हें उनकी रोजमर्रा, छोड़िए साहब छोड़िए, इन चीजों पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। ये घोषणा पत्र जो होते हैं, ये घोषणा पत्र जो होते हैं इनकी क्या हालत होती है सबको पता है। आजकल तो छोटे छोटे नेता भी अपना घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, छोड़िए इसको। आज 7 लाख जॉब का भी ये अपना अकाउंट नहीं दे सकते। हमने कोई 7 करोड़ 70 लाख 80 लाख जॉब नहीं दिए, हमने केवल, छोड़िए घोषणा पत्र छोड़िए, घोषणा पत्र छोड़िए लोकेश साहब, ये तो आजकल छोटे छोटे नेता भी जारी कर देते हैं, और अगर आप सत्ता में नहीं आए तो ये घोषणा पत्र डस्टबिन में दिखाई देंगे। घोषणा पत्र के पीछे, ठीक है जी, सर मेरा, सर कांग्रेस एक सकारात्मक व्यू लेकर चलती है। कांग्रेस का ये मत नहीं है कि यूपी को तोड़ो और उसके ऊपर राज करो, ये क्या बातें करते हैं। अरे आप यहाँ सत्ता में रहे, सत्ता में आप आए नहीं है, 3 दशक हो गए, आप क्या तोड़ेंगे क्या राज करेंगे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, सत्ता में अब आने वाले हैं, यूपी के दिन बदलेंगे और यूपी अब बर्दाश्त नहीं करेगा, यूपी का युवा आगे आएगा। ठीक है संजय जी आप पर भी आऊंगा, सब पर आऊंगा, लेकिन ठीक है एक बात बताइए प्रियंका गांधी जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर पत्रकारों ने ऐसे पूछ दिया कि मैडम सीएम कौन, तो मैम ने बोला है कि जितने लोग बैठे हैं उसमें कौन दिख रहा है आपको, कौन दिख रहा है आपको, मतलब उनका इनडायरेक्ट वे में ये कहना था कि प्रियंका गांधी जी सीएम फेस हो सकती है। ठीक है सीएम फेस, ठीक है प्रियंका जी। देखिए प्रियंका गांधी जी ने कहा था इतने लोग दिख रहे हैं इसमें से कौन दिख रहा है आपको, इसका ये मतलब था कि अब तक आप क्या स्पेक्युलेट कर रहे हो सीएम कैंडिडेट कौन होगा, उनका ये मतलब नहीं था कि मैं ही सीएम कैंडिडेट हूँ। आप ये बताइए मुझे, आप ये बताइए किसी भी महासचिव की, किसी भी महासचिव की, आपकी पार्टी के किसी भी महासचिव की इतनी हैसियत है कि वो प्रदेश में खुद को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे, सचिन पायलट साहब की थी या फिर सिंधिया साहब की थी? मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, आपकी आवाज कटी थी, प्लीज। मैंने ये बोला कि किस महासचिव की इतनी हैसियत है आपकी पार्टी में जो खुद को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करते, क्या सिंधिया साहब की थी जब वो आपकी पार्टी में थे, क्या पायलट साहब की है, किसी की भी है नहीं है ना, मतलब प्रियंका गांधी कर सकती है क्योंकि उनको पता है कि पार्टी ही तो परिवार है, लोग ऐसा कह रहे हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं जी आप समझिए बात को, अभी पंजाब के इलेक्शन की अगर हम बात करें उनमें राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया कि जैसा पंजाब की जनता तय करेगी वही निर्णय होगा। सिद्धू साहब और चरणजीत साहब दोनों सामने आए, उन्होंने कहा कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या कहा, नहीं ये लोकतंत्र है, यहाँ पे पंजाब की जनता तय करेगी कि चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार कौन होगा। ठीक है पंजाब की जनता चेक करेगी, ठीक है यहाँ पर अलीबाबा 40 करोड़ का गेम नहीं होगा, उत्तर ठीक है बहुत शानदार, ठीक है बात कर ली जाए, ठीक है चलिए वहां चन्नी और ये सिद्धू साहब भी आपके मान जाए बहुत बढ़िया बात होगी। चलिए तो इसमें हमारे साथ दयाराम भार्गव साहब भी जुड़े हैं, सुभाष पास हैं, फिर इसके बाद मैं तुरंत राहुल लाल साहब के पास आऊंगा। राहुल लाल जी मैं इसलिए वेट कर रहा हूं कि आप सभी की बातों को सुन लें, फिर आप अपना निर्णायक जो व्यू पॉइंट है वो दीजिएगा। ठीक है दयाराम भार्गव साहब भी हमारे साथ हैं। दयाराम जी आपका बढ़िया ठीक ठाक जातियों पर आपका होल्ड अच्छा है, आपकी जब बात की जाती है, जब सुभाषपा की बात करते हैं, राजभर साहब की जब बात करते हैं तो बताते हैं होल्ड बहुत अच्छा है इन लोगों का, ठीक है जो तमाम जो जातियां जिस पर आपका होल्ड है, लेकिन ये बताइए समाजवादी पार्टी के साथ आप आए हैं लेकिन बाहर ये कहा जा रहा है कि आप अपना, दरअसल आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं रही होंगी, आप उस वजह से हैं, बाकी आपका कुछ ओवरऑल कोई व्यू पॉइंट नहीं है उत्तर प्रदेश के विकास की, आपकी कोई वैसी डायरेक्ट सोच नहीं है, आप सिर्फ एक जातियों का जो आपका समीकरण है जो मैथमेटिक्स है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के साथ आए और समाजवादी पार्टी ने भी आपको इसी वजह से एक्सेप्ट किया है। तबेंद्र भाई मैं बोलूंगा, बिल्कुल 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 सर, पूरा डिबेट जो है 32 मिनट का हो गया, सबको आपने 8-8 मिनट दिया है, आपको 10 मिनट दूंगा, कोशिश करिएगा मैं बोला नहीं, 8-8 मिनट सबको दिए हैं, ठीक है देखिए हम मुद्दों के ऊपर आए हैं,
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी मुद्दों के साथ आदरणीय अखिलेश यादव के साथ समझौता किए हैं, समझ लीजिए। अब आप बताइए उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल योगी सरकार 60 पैसा खरीदती है और 7.5 रुपए 8 रुपए यूनिट बेचती है। अभी जो है 1.5 महीना पहले जब राजभर जी का अखिलेश जी का जब समझौता होता है कवेंद्र भाई, तब योगी सरकार जागती है तो आधा बिल कर देती है, ठीक है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्या योगी सरकार पिछले 4.5 साल से जो अथा था इन्हीं की किसानों पे, गरीबों पे, मजदूरों पे बिजली का बिल थोप करके उनके जेब से पैसा निकालने क्या काम किया, क्या भारतीय जनता वापस करेगी, इसके बाद देखिए। इसी उत्तर प्रदेश में मुद्दा है तो बहुत है, कोई मुद्दा की कहां चर्चा करता है। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, वहां पे किसानों का 15 रुपए हॉर्स पावर है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में किसानों का 175 रुपए हॉर्स पावर है। किसानों पे कर्जा जो होता है उसको योगी सरकार माफ नहीं करती, मोदी सरकार माफ नहीं करती। अबानी अंडानी बाबा रामदेव का जितने इनके 15 उद्योगपति सबका कर्जा माफ हो जाता है। इस देश का किसान हमारा अन्नदाता 12 महीने बैठा रहा, 750 किसान मर जाते हैं, ठीक है। लोगों को आप ये थोड़ा सोचिए, आप देखिए मेरी बात सुने, पूरा सुनिए। मैंने सुना है गौर से, मैंने पहले ही कहा कम से कम मुझे 5 मिनट का समय दे भाई, बीच में बोला नहीं हूँ। दूसरी बात, आपने कहा मुद्दों की बात, गन्ना भुगतान के लिए योगी सरकार मोदी सरकार ने कहा था कि हम 15 दिन में गन्ना जो है 15 दिन के अंदर में दे देंगे। आपको जानकारी होना चाहिए गन्ने का किसान जो है जिसका गन्ना मिल में चला गया है, 1 साल बीत गया है उसका पेमेंट नहीं हुआ है और ये लोग ढोल पीटते हमने गन्ने का किसान। दूसरी बात, हम इनके साथ थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात हुई थी, इन्होंने लागू नहीं किया। और उसके साथ में हमारी जो बात हुई थी ये हुआ था कि जातीय समीकरण के हिसाब से जनगणना उत्तर प्रदेश में होगा, योगी सरकार मोदी सरकार अमित शाह ने नहीं किया। उसके साथ में एक समान अनिवार्य शिक्षा की बात हुई थी, इन्होंने नहीं किया। हमने स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा किया, ठीक है, किया। इसके साथ में आप देखिए ये लोग जो कह रहे हैं पिछली सरकार के कमियां गिना रहे हैं, जो बुलंदशहर में बीजेपी का नेता है वो वहाँ के डीएम को थप्पड़ मारता है। ठीक है, दयाराम साहब, अब छोटी सी एक बात मेरी सुन लीजिए, फिर आप आगे कंटिन्यू करेगा। अरे भाई सुन तो लीजिए, हमारे मुद्दे कितने हैं, योगी सरकार ने पिछड़ी जात। अब मेरी आप एक बात प्लीज, मैं आपसे आग्रह करूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत डिसेंटली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, बहुत डिसेंटली बोल रहा हूँ, अब मेरी बात सुनिए। दयाराम साहब, अब बहुत डिसेंटली मेरी बात सुन लीजिए। आप जो पूरी स्पीच दे रहे हैं इस स्पीच के दरमियान जो हमारे समाजवादी पार्टी से हैं संजीव साहब जो हैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो ठीक है, अपना नॉर्मल में है। लेकिन संजय साहब पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तब से स्माइलिंग फेज में है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये क्लियर कीजिए कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव जी जितना जयंत चौधरी के साथ नजर आ रहे हैं पीसी करते हुए, उतना ज्यादा ओपी राजभर साहब के साथ नहीं दिख रहे। ओपी राजभर तो कहीं दिख ही नहीं रहे पीसी वगैरह में। तो ये बताइए गठबंधन में सब कुछ ठीक है कि नहीं, या फिर कल आप कहीं बीजेपी के साथ तो नहीं चले जाएंगे और स्क्रिप्ट पूरी आपकी चेंज हो जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यूजुअल छोटी बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करके चूस के फेंक देती है और जिसको मरना हो भारतीय जनता पार्टी में जाए। हमने कहा ना कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन हम जब तक कीचड़ में नहीं गए तब तक पता नहीं लगा वहाँ इतना दलदल है, जो चला गया वापिस नहीं आएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में कितना अंतर है आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आप ये बताइए गठबंधन में सब कुछ ठीक है, आपको मंच पे क्यों नहीं मौका मिल रहा है? अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी ज्यादा नजर आ रहे हैं, आप नजर नहीं आ रहे उतना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम 3 चरणों में स्वयं भारतीय समाज पार्टी 4थे चरण से है। मैंने आपको बताया ना हम पूर्वांचल और मध्यांचल में है। आप देखिएगा ये कतई तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल। ठीक है, ये बताइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं खुद भ्रमण में निकला था, पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए, अखिलेश यादव का फोटो है, जयंत चौधरी साहब का फोटो है हर जगह पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल में ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा कि ओपी राजभर साहब का फोटो, अखिलेश यादव साहब का फोटो नहीं। अभी आप मैं बताऊं कविंद्र भाई आपको, देखो आपने बहुत अच्छी बात कही, पूर्वांचल में कौन से चरण में चुनाव है जरा बता दीजिए हमको, हमको बताइए। क्या हमने कहा ना हम 4थे चरण से है, 4थे चरण से आपको भारतीय समाज पार्टी, ठीक है, मतलब दिखेंगे ना ओपी राजभर साहब का भी बड़ा बड़ा फोटो दिखेगा ना अखिलेश जी के साथ दिखेगा।
मेरी बात सुनिए, हमने देखो हमारी बात सुनिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राठौर, जब समाजवादी के साथ सम्मान मिल रहा है आपको, समाजवादी पार्टी में सम्मान मिल रहा है आपको, पूरा सम्मान है, पूरा सम्मान आप, ठीक है, सम्मान कैसे, सम्मान नेताओं का क्या सम्मान, मतलब कैसे सम्मान मिलता है, सीटें जितनी चाहिए थी उतनी सीटें दी गई आपको भारतीय जनता पार्टी के, सुनिए कवेंद्र भाई, नहीं नहीं अब ठीक है, ठीक है, अब मैं राहुल जी के पास चलूंगा, राहुल जी के पास चलूंगा, आपसे सेकंड राउंड में आकर बात करूंगा, ठीक है, राहुल जी के पास चलूंगा और संजय साहब दोबारा आप पर आऊंगा सेकंड राउंड से। राहुल जी बहुत देर हुई लेकिन आपका इसलिए रुकना जरूरी है देर तक ताकि आप सबके व्यू पॉइंट समझ लीजिए और फिर अपना व्यू पॉइंट रखिएगा। तो सबके पास अपने अपने मुद्दे हैं, सबके पास देखिए डेली हम लोग रोजाना डिबेट करते हैं, डेली हमारे पास एक नया मुद्दा होता है, जब सब यूपी चुनाव की बात चल रही है तो एक बयान भी बड़े पार्टी का, वो भी एक रात की डिबेट बन जाती है पूरी, ठीक है। तो राहुल लाल जी अभी ये बताइए, आपने सभी को सुना, अभी आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि जो होल्ड है जो बीजेपी का 2017 में देखने को मिला था, जिस तरीके से मैं पश्चिम की अगर बात करूं तो 2007 में पूरा बसपा बसपा था, 2012 में पूरा का पूरा सपा सपा था, 2017 में पूरा का पूरा भगवामय हो गया, ठीक है। तो ये जो एक आखिरी में जो फिल्टर काम करता है, आखिरी में जो मैजिक काम करता है, वो मैजिक अभी आप क्या समझ रहे हैं, जमीन पर क्या चल रहा है? देखिए अगर पिछले तीन चुनाव की मैं बात करूं 2014, 2017, 2019 पश्चिमी यूपी के संदर्भ में, तो पश्चिमी यूपी में हम लोगों ने सीधे सीधे देखा है कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की हालत में थी, तो ये क्लीन स्वीप कर रही थी, लेकिन इस बार की जो स्थितियां हैं पश्चिमी यूपी में वो वैसी स्थितियां नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल चुनौती बनी हुई है। और ऐसे समझना पड़ेगा कि देखिए जिसको भारतीय जनता पार्टी की किसी भी नेता ने किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि जाट हमसे नाराज है, किसान नाराज है, वो खुद माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी ने अपने जाट नेताओं को बुलाया उससे कहीं कहीं पुष्टि भी हो गई। तो देखिए इनके लिए एक तरह से अगर हम लोग कहें कि जो दौड़ है उस दौड़ में कहीं कई सारे जो कि बाधा दौड़ जैसी प्रतियोगिता जरूर स्थापित करती गई है जो 2014, 17 और 19 मामलों को नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पे जो समीकरण देखिए जो गठबंधन है यहाँ पे चाहे वो समाजवादी पार्टी और एक तरह से जयंत चौधरी जी का गठबंधन, उस गठबंधन में थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर है जहाँ पे कुछ टिकटों का सवाल खास संबंधित अन्य सीटों पर हम लोगों ने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी बाय एंड लार्ज जो है उसमें फिजिक्स भी है और उसमें केमिस्ट्री भी है, यानी केवल संख्यात्मक नहीं है उसमें हम लोगों को थोड़ी केमिस्ट्री भी नजर आ रही है। तो इस तरह का चुनाव हम लोगों ने पश्चिमी यूपी में एक तरह से विपक्ष को लड़ते हुए नहीं देखा था। यही कारण है कि कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी जो मैं बार बार कहता हूँ कि वो चुनाव काफी आक्रामक ढंग से लड़ती है, चुनाव प्रचार के हमेशा इलेक्शन मोड में भी होती है और उसके तमाम धुरंधर अभी पश्चिमी यूपी के गलियों में जो है अलग अलग जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज भी जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में पूरा भ्रमण कर रहे हैं, योगी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री जी भी कर रहे हैं। तो स्थितियां तीनों बार से बदला हुआ है। देखिए जो चीजें हैं केराना का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो, उसमें बीजेपी को काफी लाभ हुआ था, लेकिन इस बार वहां पे जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है उसमें एक तरह से कहीं कहीं तारतम्यता या सहचारी के कुछ रिश्ते हम लोगों को जरूर दिख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं चिंतित कर रहा है। ऐसे स्थिति में बार बार हम लोग देख रहे हैं कि केराना का मामला हो, पलायन का मामला हो या फिर सहारनपुर के दंगे के मामले, ये मामले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के प्रमुख अंग बने हुए हैं। ठीक है, एक और चीज है कि ये पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, तो समाजवादी पार्टी ने जो अपना सेटलमेंट बैठाया है जिस तरीके से तमाम अन्य छोटे दलों को भी अपने साथ मिलाया है, तो जातीय समीकरणों के नजर से अगर हम देखते हैं, लिहाज से देखते हैं, हालांकि 2017 में तो जातीय समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए थे, जितने भी हम लोग जो भी मैथमेटिक्स हम लोगों ने किया था वो सब गलत साबित हो गया। तो इस बार आपको क्या लग रहा है जो ये मैथमेटिक्स जो लगाया जा रहा है कि इस जात के नेता हमारे साथ हैं, इस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, इस पार्टी से हमारे नेता हमारे साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी ने जो पूरा सेटलमेंट बैठाया है क्या ये फायदा देगा? देखिए अगर आपको याद करें 2017 को तो हमें अभी भी ध्यान में है कि जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी ने, उस समय उन्होंने देखिए छोटे छोटे सभी दलों को जोड़ा था और एक तरह से ये भी उस समय राजनीति में सवाल उठता था कि बीजेपी जो कि इतनी मजबूत है वो किस तरह से छोटे छोटे दलों को जोड़ रही है। तो उसी रणनीति का अनुसरण करते हुए इस बार समाजवादी पार्टी दिख रही है वहां पे। देखिए बुंदेलखंड की स्थिति को अगर मैं कहूँ तो बुंदेलखंड में थोड़ी तो बीजेपी की स्थिति अभी भी हमें मुझे मजबूत नजर आ रही है, लेकिन जो पूर्वांचल है जो या फिर हम लोग का जो अवध का क्षेत्र है वो उन क्षेत्रों में कहीं कहीं एक तरह से समाजवादी पार्टी एक सामने में मजबूती के साथ उपस्थित है। तो देखिए सोशल इंजीनियरिंग एक बड़ा मामला है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते जो छोटे दलों को जिनको वो जोड़ा गया है, लेकिन क्या सीट जैसे मान लीजिए कि कुछ कुछ जो तमाम समाचारें आ रही है कि यहाँ पे दयाराम भार्गव जी हालांकि खंडन कर रहे हैं, दयाराम भार्गव जी कह रहे हैं कि मजबूती के साथ वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े,
लेकिन इन घटक दलों के साथ क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई तनाव की स्थिति है? अगर इन तमाम चुनौतियों को समाजवादी पार्टी अगर निपट लेती है तब तो फिर यह समीकरण काफी बेहतरीन होगा, लेकिन अगर सीट शेयरिंग के मामले या फिर कहीं कहीं तनाव की स्थितियां बनी रहेंगी तो फिर मैं कह दूंगा कि फिजिक्स तो दिखेगा हम लोगों को जो आप कह रहे थे, लेकिन केमिस्ट्री जो होगा वो नहीं बनेगा तो फिर आपको जमीन पर परिणाम नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो अंततः ये चीजें बहुत आवश्यक है कि आप केमिस्ट्री कैसा बनाते हैं गठबंधन का। ठीक है राहुल जी, ठीक है संजय साहब आपके पास एक बार फिर आऊंगा। संजय जी ये बताइए मुझको, बहुत बहुत पॉइंटेड सवाल करूंगा फिर आपको जो कहना वो आप कहिएगा। पॉइंटेड सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले देखिए बहुत स्पष्ट और क्लियरली बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम जमीन जमीन पर जाते हैं, मैंने पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव कवर किया है, अभी मैं काफी टाइम से उत्तर प्रदेश में था। एक चीज मैंने नोटिस की कि जो जिले हैं जो वहां की विधानसभाएं हैं, मान लीजिए फरखाबाद की, भोजपुर की बात कर लूं, मैनपुरी की बात कर लूं, करहल सीट की, मतलब अलग अलग जो विधानसभाएं वहां की मैं बात करूं, तो लोग कह रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं आपके वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, आपके विधायकों से लोग बहुत नाराज हैं। लेकिन ये भी बात सीधे कह रहे हैं कि योगी जी के चेहरे पर हम वोट देंगे, लेकिन विधायक से नाराज हैं, योगी जी के चेहरे पर वोट देंगे, आप विधायक का चेहरा बदलिए। लेकिन आपने ऐसा किया भी, ऐसी हम लोगों को स्टार्टिंग में खबरें मिली सूत्रों के हवाले से कि 100-150 विधायकों का टिकट कटने जा रहा है, तो लोगों के अंदर भी खुशी थी कि ठीक है शायद उनके विधायक का कोई काम तो किया नहीं तो टिकट कट जाएगा, दूसरा चेहरा आएगा, क्योंकि योगी जी के नाम पर तो लोग वोट देना चाहते हैं। लेकिन आपने शुरुआती दौर में तो टिकट काटने की कोशिश की, लेकिन अब आपने किसी का टिकट मोस्टली लोगों को रिपीट कर दिया है और ऐसी ऐसी जगहों पर रिपीट किया है जहां पर लोग सच में नाराज हैं, तो ये नाराजगी आप कैसे इसको कैसे आप ठीक करेंगे? देखिए कविंद्र भाई, ऐसा है, जहां तक बात मौजूदा टिकट काटने की है, आप देखेंगे कि लगभग अब तक जहां नाराजगी थी पार्टी अपने संगठन ने अपने स्तर से जांच कराई और उस जांच में जो कुछ पाया गया, ये अंदरूनी मामले संगठन के होते हैं, लगभग 35 विधायक रिपीट भी किए गए हैं। और रही बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो आपने कहा, आपके सवाल का जवाब केवल मैं अभी इतना कहना चाहूंगा कि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है और जो लोयन स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी ने दी है, प्रदेश की जनता योगी जी मोदी जी और सुशासन के नाम बिगाड़ते भी तो आप ही थे, समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथी कह रहे थे बिगाड़ते भी तो आप ही थे। नहीं एक मिनट, अगर ये बीच एक मिनट ये थोड़ा बीच में रुके हैं, मैं चूंकि कविंद्र भाई पहले मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, पैनल पर बैठे जो हमारे तीनों प्रवक्ता हैं, मैं इनकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं भाई संजीव चौधरी जी, मैं इनसे कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा महिलाएं, अरे भाई आपने कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या में नामजद गुलशन यादव को टिकट दे दिया और उनकी डीएसपी की जो पत्नी है परवीन आजाद, जरा उनको भी सुन लेते, वो भी एक महिला है, इनके लिए तो मैं इतना कहना चाहूंगा। दूसरे हमारे कांग्रेस की भाई को मैंने बड़े ध्यान पूर्वक सुना, इनसे मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता आपको देख रही है, जागरूकता है आपकी, जो आप एक पोस्टर प्रियंका जी आपकी लेकर के आई कि बेटी हूं। ठीक है आपकी आवाज भी शायद अटक गई है, लेकिन आपने उसको भी हाईजैक कर लिया, आपने इनकी एक सवाल आपने इनसे पूछा था अभी। हाँ जी, हाँ जी, टिकट को काटने को लेकर राहुल जी सवाल, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर, देखिए मेरी बात को कंप्लीट होने दिया जाए। ठीक है संजय जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा, फिर राहुल जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। राहुल जी सवाल ध्यान पूर्वक सुना है, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, दो अब रही कांग्रेस की और सपा की, तो बात ये मैंने कही, अब हमारे ये सुहेल देव जी के जो हमारे प्रवक्ता भाई बैठे हैं, देखिए ऐसा है ये निजी स्वार्थ है इनके, ये हमारे पास भी कहीं से आए थे, हमारे पास नहीं रहे, जिनके पास है ये भी गारंटी नहीं है। आपने क्या दिया था इनको? आपने 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 क्या दिया था इनको? आपने क्या दिखाया था? किस चीज का लालच दिया था बता दीजिए खुलकर। ना हमने कुछ, नहीं 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 हमने कुछ नहीं दिया था। मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, ये पिछड़ों की बात करते हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास किया, विश्वासघात इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर और गठबंधन में ये अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़े और जीते, उनके साथ भी विश्वासघात किया है। लोकतंत्र है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, अब ये वापस उसी जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, वापस जाएंगे। ठीक है राहुल जी, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे। राहुल लाल जी सवाल जी। संजय जी टिकट कटने को मामले को लेकर जो टिकट कटने को लेकर जो चीजें, बिल्कुल आपके पास भी आ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल दयाराम साहब आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन राहुल जी का सवाल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए
सौ से 150 टिकट काटे जाने की बार बार शुरुआत आ रही थी, क्योंकि देखिए आपके जो एमएलए हैं, आवाज नहीं, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए शुरुआत किस समय हो रही है राहुल भाई, ठीक है, मैं सवाल को रिपीट कर दूंगा, राहुल लाल जी सवाल कीजिएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी आपसे आपने जो सवाल पूछा था एंकर महोदय ने कि भाई 100 से 150 टिकटें कटने वाली थी, तो वो टिकटें आपने नहीं काटी क्योंकि जो लोकल आपके सिटिंग एमएलए हैं उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी ज्यादा है, ये फील्ड में हम लोग जब जो भी जा रहे हैं ये अस्पष्ट हम सबों को महसूस हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि शुरुआत के समय में काफी ज्यादा एक तरह से भगदड़ की स्थिति रही संजय जी और वहां से लोग समाजवादी पार्टी में आते रहे, तो राहुल लाल जी का सवाल ये है, राहुल लाल जी का सवाल ये है कि भगदड़ की स्थिति को देखते हुए आप जिनके टिकट काटने वाले भी थे उनके टिकट आपने नहीं काटे, आप डर गए? देखिए ऐसा है, भगदड़ की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं थी, मैंने बताया ना भागे वही हैं वो जो हमारे पास आए थे, हमारे तो कहीं गए नहीं, हमारे तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी जो हमारे पास आए थे मौका परस्त लोग थे, निजी स्वार्थ थे, उनके निजी स्वार्थ पूरे नहीं हुए, मैं बता तो रहा हूँ, अब जिस दल में आपके पास जो आते हैं वो मौका परस्त होते हैं, कह रहे हैं निषाद पार्टी मौका परस्त है? नहीं नहीं, देखिये हमारी बात सुनिए, निषाद पार्टी हमारे साथ पहले से गठबंधन में, वो आज भी हमारे साथ है, सेना भी इनसे मौका प्रस्त वो आज भी हमारे साथ है, देखो ये देखो मतलब वो वहाँ पे चिंता केवल वो लोग करें जिन दलों में ऐसे लोग गए हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त आज भी कह रहे हमारे साथ है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये जो लक्ष्यदार भाषण इन्होंने कर दिया उसको सुन लीजिए, हमको ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जब क्या नाम है पाटीदार जो क्या नाम एसपी है और क्या नाम त्रिपाठी को जो है 6 लाख रुपए मांगा गया और नहीं दिया तो उसको गोली मार के हत्या कर दिया गया, आज तक पाटीदार फरार है, एफआईआर दर्ज है, इनाम 1 लाख रुपए को हो गया, योगी सरकार भाजपा पकड़ नहीं पाती, इस तरह 3 एसपी है उत्तर प्रदेश में जो भगोड़े घोषित है पकड़े नहीं गए, उसके साथ में उत्तर प्रदेश में देखिए नोएडा का जो डीएम था उसने बताया योगी सरकार में डीएम एसडीएम चौकी थाने पे जो है पोस्टिंग के नाम पे बगैर पैसे के कोई नहीं आ सकता, कोई 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए लगता है, तो उस जो है एसपीडीएम को जो है योगी सर साइलेंट करके उसको अदर जगह भेज देते हैं, तो इसकी चर्चा ये लोग नहीं करेंगे, दूसरी बात कहोगे ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो, संजय भाई सुनिए, संजय भाई सुनो पहले, संजय भाई मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, पहले सुनिए हमारी बात, दूसरी बात आपने आजम खान के भैंस की बात करी, मैं तो स्वागत करता हूँ आजम खान की भैंस का, लेकिन एक बात बताइए बाबा का जो ललका सांड उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दुगना कर रही है उसके ऊपर चर्चा कौन करेगा, अब बताइए रात रात भर किसान जो खेत में जाग रहा है उसकी चिंता कौन करेगा, दूसरी बात आपने कहा था कि किसानों का हम दुगना करेंगे, जो यूरिया डाई कवेंद्र भाई 50 किलो का 900 रुपए मिलता था उसमें तो भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है, 5 किलो निकाल करके 45 किलो का क्या नाम है यूरिया डाई का पोरी करती है और इस समय 16 और 17 में मिलता है, इसकी चर्चा ये नहीं कहेंगे, और जब सिलेंडर 450 था 1000 पार हो गया, भाई मैं भी एक किसान, मैं भी एक किसान परिवार से ही हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, इसकी चिंता किसानों के नाम पर देश की और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम ना करें आप लोग, मैं भी एक किसान परिवार से ही हूँ और के एक किसान पुत्र हूँ, मैं भी आज खेती करता हूँ, जानकारी है सुनिए, अरे मैं भी किसान पुत्र हूँ, आपको जानी है लखनऊ के ट्रामा सेंटर में साढ़ों से एक्सीडेंट हो करके एक्सप्रेसवे पे साढ़ों से एक्सीडेंट होकर 70% लोग जो ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती हैं, आपको कुछ जानकारी है, ये साढ़ जो आपने छोड़ रखा है एक तो किसानों का दुगना कर रहे हैं, अरे ठीक है दयाराम साहब ठीक है, कौन करेंगे, ठीक है दयाराम साहब ठीक है, अब एक बात पर आते हैं, सबसे पहले जैसे जैसे गाय माता और ये नंदी जो है गली कूचों में काटे जाए आप उससे खुश हो क्या, किसान को कोई परेशानी नहीं है, ठीक उधर नहीं मेरे गांव में, मैं अपने गांव में आपको घुमाता हूँ, अगर एक किसान को आप ये चलिए अब दयाराम साहब ने आंकड़े खोल लिए, आंकड़े सुन लीजिए, आंकड़े सुन लीजिए, प्रदेश की जनता को गुमराह करने के दिन अब लग गए, बताइए आज मेरे गाँव में मुझे किसान दिखाई है जो चारा खाने से, वो आंकड़े दिखा रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपके पास भी आ रहा हूँ, आंकड़े आंकड़े सुन लीजिए, उन्हीं के साथ गए हैं ना, सुनिए, अरे आप बताएं हमको आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के राज में बीफ का सबसे बड़ा व्यापारी हिंदू है, आपको जानकारी है, लुकेश सवार के ऊपर इतना बड़ा जघन्य अपराध है, दूसरे बाद महाराष्ट्र के जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 38% बीफ की जो है, ठीक है दयाराम साहब ये बताइए, दयाराम साहब ठीक है हो गया दयाराम साहब, ठीक है दयाराम साहब हो गया, अगर मुझे जरूरत पड़ी
अच्छा बीफ एक्सपोर्ट करके खवाऊंगा। उसके बाद किरण रिजिजू जी ने क्या कहा था, कहा था हम जो क्या नाम है, ठीक है दयाराम साहब, दयाराम साहब आप सवाल लीजिए, दयाराम साहब, दयाराम साहब, दयाराम साहब बिल्कुल लोकेश जी आपके पास जा रहा हूँ, दयाराम साहब सवाल सुनिए, दयाराम साहब, दयाराम साहब सवाल सुनिए, एक मिनट में संजय जी, संजय जी थोड़ा सा, संजय जी थोड़ा सा रुकिए, संजय जी थोड़ा सा रुकिए, दयाराम साहब सवाल सुनिए, दयाराम साहब, अरे दयाराम साहब, दयाराम साहब, दयाराम साहब सवाल सुनिए, ठीक है दयाराम साहब, ठीक है ठीक है, अरे रुकिए 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 रुकिए, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, संजय जी एक मिनट रुकिए, दयाराम साहब ऐसे मत करिए, दयाराम साहब सवाल सुनिए, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चढ़ रहा था तब सबसे पहले ये नजर आया था कि एक थर्ड फ्रंट की शुरुआत होने जा रही है जिसका नेतृत्व आप करने जा रहे हैं, मतलब ओपी राजभर साहब कर रहे थे, धीरे धीरे लोगों को उसमें जोड़ने की भी कोशिश हुई, भीम आर्मी के जो संस्थापक साहब हैं हमारे आजाद समाज पार्टी वाले उनको भी आप लाए, ओवैसी साहब को भी आप लाए, बातचीत चल रही थी, लेकिन जैसे ही आपको सपा से ऑफर मिला आप कूद कर उधर चले गए और छोड़ गए थर्ड फ्रंट को। यहाँ ध्यान से सुनिएगा कवेंद्र भाई, सुनिए मैं पूरा संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि मैं वहां मौजूद था, लखनऊ में मैं मौजूद था, आपको मैं बताऊं आदरणीय नेता जी पाल जी से, उबैसी जी से और क्या नाम चंद्रशेखर भाई से मिलकर बैठ के बात करते, सुन लीजिए पहले मैं लखनऊ में मौजूद था और थोड़ा जल्दी बताएगा, थोड़ा जल्दी बताएगा, भारतीय समाज पार्टी झूठ नहीं बोलती, पहले सुनिए, वहाँ ये तय हुआ कि 10 तारीख को जो है शिवपाल भाई जाके अखिलेश जी से बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हमें हटाना है, इतने क्षेत्रीय दल सब आए, तो 10 तारीख को जब ये समय हुआ तो शिवपाल भाई से अखिलेश जी की मुलाकात नहीं हुई, फिर शिवपाल भाई के पास जो है क्या नाम आता, चलिए ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, चंद्रशेखर साहब तो बाहर रह गए, चंद्रशेखर साहब बाहर रह गए, उनको छोड़ दिया आपने, ओवैसी साहब को क्यों नहीं लेकर आए, ओवैसी साहब को क्यों नहीं लेकर आए, ओवैसी साहब के साथ मीटिंग क्यों नहीं करवाते आप, ओवैसी साहब के साथ मीटिंग क्यों नहीं करवाते, आप तो बड़ी पार्टी के साथ ऑफर में चले गए, ओवैसी साहब अकेले रह गए बेचारे, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए यही चंद्रशेखर जी है, तीन तीन सीट देने के लिए तैयार हो गए थे अखिलेश जी, उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि हम 5 से 7 सीट लड़ लेंगे, उन्होंने मना कर दिया, दूसरी बात उसके बाद देखिए शिवपाल के ऊपर आप लोग कर रहे तंज कस रहे थे, मतलब आप सीटों को लेकर साथ में आए हैं सब लोग, जो सीट नहीं मिलती आपको, अगर आपको मनमौजी सीट नहीं मिलती, आपको अगर मनमौजी सीट नहीं मिलती तो आप भी छोड़ देते सपा का साथ, अरे हाँ 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 बोलिए, आप भी सपा का साथ छोड़ देते अगर मनमौजी सीट नहीं मिलती आपको, सीट नहीं देगी, सुनिए सुनिए, सपा एक भी सीट सुभाषपा को नहीं देगी, तब भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सटाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, लोकेश जिंदल साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है लोकेश साहब सबसे पहले तो कहिए क्या कहना चाह रहे हैं, चौहान साहब एक तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि आज मुझे उस मुहावरे का मतलब समझ गया कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, आज समाजवादी पार्टी और भाजपा इन दोनों का तालमेल देख के मुझे समझ में आया चोर चोर मौसेरे भाई कैसे होते हैं, इन्होंने जो हाल किया उत्तर प्रदेश का, आपके साथ में विशेषज्ञ है उनसे पूछिए, 2007 से 2012 बसपा, 2012 से 2017 समाजवादी पार्टी, 2017 से 2022 भाजपा, तो इसका कारण केवल यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता थक चुकी है, वो एक अच्छे राज की वेट कर रही है, उन्हें इस दुशासन से, दुशासन की तो बात भाजपा ना ही करे तो अच्छा होगा, देश मतलब कुल जमाबाद आपको ले आए, आप यही तो कहना चाह रहे हैं ना, कुल जमाबाद ये है कि आपको लेकर आए, और जितना देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का क्या हाल किया है ये भी याद रखो, ठीक है ठीक है ठीक है, संजय जी के पास चलूंगा लेकिन उससे पहले संजीव जी के पास चलता हूँ, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, लोकेश साहब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आने वाली है, ठीक है समझ गया आपकी बात, संजीव जी बीजेपी का ठीक है, ये कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं जी, देखिए कांग्रेस सपने देखने अच्छी बात है, ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखेंगे तभी, ठीक है, प्रियंका गांधी जी ने एक बात कही है कि गठबंधन अगर हम किसी से करेंगे भी तो ये चुनाव के बाद डिसाइड होगा, चुनाव के बाद अगर प्रियंका गांधी जी आपके साथ गठबंधन के फेज में आती है, पोजिशन में आती है, तो क्या आप गठबंधन करेंगे, बिल्कुल जो हमारे साथ आना चाहेगा इन भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोगों को हटाने के लिए, हम हर किसी को साथ लेंगे, इनको भगाना है बस, भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोगों को भगाना है, जो मतलब कांग्रेस से आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, कांग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, सुनिए एक मिनट सुनिए एक मिनट सुनिए सुनिए एक मिनट, इनके बड़े नेता कहते हैं कि यदि हमको वोट नहीं दोगे तो दंगे होंगे, ये बड़े नेताओं के बयान है, नहीं वो कह रहे थे कि होमगार्ड जैसी हालत हो जाएगी, घटिया घटिया बात करते हैं, इस तरीके की बात करनी चाहिए क्या, ये देश को तोड़ने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग,
और हमारे यहाँ सब जितने भी नेता हमारे गठबंधन में आए सबको सबको मान सम्मान मिल रहा है और सबको मान सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, मान सम्मान मिल रहा है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि कांग्रेस प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि गठबंधन के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम गठबंधन की स्थिति में रहेंगे, तो अगर ऐसी आपको जरूरत पड़ती है तो प्रियंका गांधी जी के साथ गठबंधन करेंगे? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो आना चाहेगा उसका स्वागत है। मतलब कांग्रेस से आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है? कांग्रेस से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है? इनको हमें भगाना है यहाँ से। कांग्रेस से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सरकार बन रही है, कांग्रेस के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं? हमारे लोकदल ओम प्रकाश राजभर जी और लोकदल जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी मिलकर के सरकार बना रहे हैं। तमाम दल जितने भी हमारे साथ हैं, तमाम दलों के साथ हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगर प्रियंका गांधी जी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोगों को जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हमारे यहाँ विकास की बात होगी, छात्रों की बात होगी, किसानों की बात होगी, नौजवानों की बात होगी। ठीक है। संजीव जी कह रहे हैं हमारे यहाँ किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, ओबीसी की, मुसलमानों की बात होगी, आप क्या नहीं होती? देखिए कविंद्र भाई, ऐसा है, मैं आपके मंच से एक सीधा सीधा सवाल, सोहेल देव पार्टी से पिछड़ों के राजभर जी के प्रवक्ता भाई बैठे हैं, हमारे कांग्रेस के बैठे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के भाई बैठे हैं। देखिए ये जो दलित और पिछड़ों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, मेरा एक सवाल और सीधा जवाब मैं इनसे चाहूंगा आपके माध्यम से, देश और प्रदेश की जनता सुन रही है, देख रही है। देखिए ऐसा है, दलित और पिछड़ों के नाम पर इनका झूठा दिखावा क्यों है, इस सवाल के माध्यम से बात खुल जाएगी। देखिए हमेशा समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों में, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, इनका इस्तेमाल करने का काम किया है। आजम खां का किस रूप में समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनसे कुकर्म कराए, वो अपने आज उस अपने अंजाम को भुगत रहे हैं। गायत्री प्रजापति का किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया। ठीक है। संजय जी, एक मिनट, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई, बात सर। कविंद्र भाई मुझे एक समय 10 सेकंड में करेगा एक मिनट में कंप्लीट करिए, जल्दी कंप्लीट करिए, सुनने की क्षमता रखिए। संजीव भाई मैंने आपको बड़े धैर्य पूर्वक सुना, सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनिए। अब नहीं हो पाएगी कंप्लीट, अब बात कंप्लीट होने से रही, अब बात कंप्लीट होने से रही, समय की कमी के कारण यही रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दयाराम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राहुल लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजीव चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज पूरी उत्तर प्रदेश में क्या किस तरीके की स्थितियां हैं, डेली जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं, उन सभी मुद्दों को एक पैकेट में भरकर उसके नाम पर आज बहस की थी, उसके नाम पर आज डिबेट थी कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, तो इसको लेकर बातचीत की, चर्चा की और जाना समझा। अगली दफा फिर आपसे मुलाकात करूंगा संडे डिबेट में, तब तक के लिए शुक्रिया।